मेरा नाम मुस्कानप्रीत कौर है। मैं 6th क्लास विच पढ़दी हाँ। तो मैनू कीर्तन सीखती नूं 2 साल हो चुके हैं। तो मैं 10 साल दी सी जदों मैं कीर्तन सीखण पई। तो पहला मेरा संगीत वाल ध्यान सीगा। तो फिर मेरे पापा ने फैसला लिया कि इहनूं कीर्तन सिखाउणा चाहीदा। तो मैनू क्या बट जदों मैं पहला पहला कीर्तन करन पई मैनू लग्या कि मैं नहीं सीख पाउणा। बट फिर मेरे अंदरों ही एक आवाज़ आई कि मैं कीर्तन सीख सकती हाँ। तो मैं हुण पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड विच पढ़ती हाँ। तो मैं उत्थे मैनू मतलब ब्रेल पढ़न लिखन विच तो थोड़ी जी दिक्कत आती है बट मैं ओरल याद कर लैनी हाँ। तो उत्थे जदों मतलब पहला कितने मैं शिफ्ट हुंनी हाँ तो उदों तो सहेलियां नूं ही रास्ता पता हुंदा तो आंटी लै जाती है। कई बार जिहड़ी सहेली नूं दिखदा हुंदा उह लै जाती आ ते बाकी खुद ही पता लग जाता है। तो जदों एग्जाम वगैरह होंदे आ तो किसी को मतलब सहेली को जाना होंदा तो आप ही चली जाइदा वा। तो मैं अगे चल के म्यूजिक टीचर बनना चाहनी हाँ। अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहनी हाँ। तो अपने वर्गे बच्चों सिखाना चाहनी हाँ। मेरी बेटी जो ब्लाइंड है मुस्कानप्रीत कौर, वो अज कल कीर्तन सीख रही है अचल साहब तो, बाबा हजारा सिंह संगीत अकैडमी तो। वो बहुत ही वधिया कीर्तन कर रही है, गुरद्वारा साहब होर भी कॉम्पीटिशन च हिस्सा लै रही है, जो जित के आ रही है, तो मैं बहुत खुश हाँ। वो सारा घर का कम नॉर्मल बच्चे वागू कर लेंदी है, घर च रही है, जिदा जो भी बाहरों आने पानी पिलाउंदी है, रात को बिस्तरे बिछाउंदी है, सवेरे चुकदी है, सारा काम करती है। मैनू मतलब दिल च नहीं है भी इहनू दिखाई नहीं दिंदा, जिदा दूजे बच्चे खेडदे आ उदा ही खेडदी है नाल घर, ते सवेरे 4 बजे उठ पैंदी है जदों मैं गुरद्वारा साहब जाना, नाल ही फिर रियाज़ करना शुरू कर दिंदी है, लगातार 2-2 घंटे रियाज़ करती है, ते बहुत मेहनत कर रही है बच्ची। आने वाले समय में मैनू लगता है बहुत उच्चे मुकाम ते पहुँचूगी। बाकी सारी संगत का आशीर्वाद दे नाल आ, महाराज कृपा करे, अपना मेहर भरिया हाथ दे सिर ते रखे। मैं संत बाबा हजारा सिंह संगीत अकैडमी अमृतसर दे चला रहा, मैं तकरीबन 20 साल तो। बहुत ही बच्चे मेरे को सीख के जड़े के विदेशों के जाके जॉब कर रहे हैं, कुछ इतने भी जॉब कर रहे हैं, और ये मेरे को मुस्कान दी पहला ही बच्चा वा कि जरा नेत्रहीन सीगा, तो जो मेरे को लैके आए तो मैं पहले इनकार कर दिता सी कि नहीं अं कभी इस तरह सिखाया नहीं है भी बहुत मुश्किल वा, पर फिर भी चलो मेरे नाल कुछ विद्यार्थियों ने कुड़ियों ने सलाह की कि नहीं आप कोशिश करते हैं सैं, तो परमात्मा कृपा करो, और परमात्मा ने बहुत कृपा की इस वक्त ये कुड़ी हुण साडे कोल ही कोशिश कर रहे कि इहनूं उस्ताद बनाउणा है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आईया है, पर हुण कोई मुश्किल नहीं हैगी क्योंकि इहनूं शब्द कंठ भी करवाउणा पैंदा है नाल दी नाल, और आपां बच्चों की ड्यूटी ला दिंदे, कोई ना कोई बच्चे शब्द कंठ करवा दिंदा है, तो हरमोनी बहुत सोहणा बजा लैंदे हैं।